जय हिंद। आइए हम PSIR पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन के एक और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यूपीएससी सीएससी 1982 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1C है। अभी देखो इसमें जो है बहुत ही कह सकते हो लिटिल बिट या कह सकते हो ना कि उलझाऊ क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा मतलब ये अटपटांग जैसा लगेगा, लेकिन इसको अगर आप माइन्यूटली जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे, बिटवीन द लाइन समझने का प्रयास करेंगे, तो उतना आपको डिफिकल्टी नहीं होगा। देखो, एज मच एज एनी वन कैन मेक यूज ऑफ एनी एडवांटेज ऑफ लाइफ बिफोर इट इज स्पॉइल्ड। यहाँ देखो कुछ नहीं कह रहा है, बस इतना जान लो आप अपने जीवन में जितने भी कह सकते हो दिन का आपका जीवन है, जितने भी वर्ष का जीवन है, मोर और लेस एवरेज 100 साल मान के माना जाता है, लेकिन 60-70-80 साल बहुत है, फिर भी मतलब आप जितने भी अपने इस जीवन को वर्ष में जीते हैं, तो एज मच एज एनी वन कैन मेक यूज ऑफ एडवांटेज, और इस पूरे जीवन में आप जितना भी आप अपने आप से एडवांटेज ले सकते हैं, मतलब आप अपना उसका सदुपयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप अधिक धन कमाना चाहें, अधिक यश कमाना चाहें, अधिक कीर्ति कमाना चाहें, अधिक जो है वैभव कह सकते हो कमान, बंगला गाड़ी घोड़ा, जो भी आप अपने इस पूरे एक जीवन काल में अर्जित करना चाहते हैं। देखो अर्जन करना कहने का मतलब है कि आप जो है उसे लीगली और ट्रूथफुली अर्जित करते हैं, किसी से धोखाधड़ी या घूस कसोट करके ऐसे नहीं, तो ये तो इलीगल मीन्स हो गए। मतलब जो आप जो है कह सकते हो कोई बिजनेस के थ्रू ही, कोई नौकरी पेशा किसी भी माध्यम से, लेकिन वो जो है औचित्यपूर्ण धन का अर्जन करना है, किससे, जीवन को खत्म होने से पहले, बिफोर इट स्पॉइल, जब तक मतलब आपका जीवन है, आप जितना चीज को अर्जन करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, या इस जीवन का जितना उपयोग करना चाहते हैं, उपभोग करना चाहते हैं, ठीक है। सो मच ही मे बी बाय हिज लेबर फिक्स्ड अ प्रॉपर्टी इन, और आप अपने लेबर के माध्यम से, मतलब आप मेहनत करके, आप अपने शारीरिक परिश्रम करके, आप श्रम करके, आप जितना भी धन का अर्जन करें, ठीक है, और आप उसे एज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पर रख सकते हैं, क्योंकि वो आपके द्वारा कमाया गया है, ठीक है। लेकिन इसके आगे कह रहा है कि वेयर एवर इज बियॉन्ड दिस इज मच मोर, लेकिन जो आपके द्वारा नहीं कमाया गया है, जिसका अर्जन और सृजन आपके द्वारा नहीं किया गया है, जो आपकी संपत्ति नहीं है, वो आपका नहीं है, और अगर आपने जितना कमाया है उससे अधिक कमाते हैं, तो ये जो है कह सकते हो बियॉन्ड दिस मच मोर, ठीक है, ये फिर आपका नहीं होगा। यहाँ जो है ना इस स्टेटमेंट को आप किस प्रकार से उत्तर देंगे, तो यहाँ ये शायद राइट टू प्रॉपर्टी और लेबर से संबंधित है, कि कई बार ये चीज़ें होती है कि जो भी धन को अर्जित करता है, तो एक तो है कि आप अपने, जैसे अगर आप मार्क्सवाद की विचारधारा को पढ़ोगे या कम्युनिस्ट की विचारधारा को पढ़ोगे, तो लेबर्स पे कह सकते हो हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल अपना अधिकार है, कि हम अगर मेहनत कर रहे हैं तो उसका परिणाम और फल हमें को ही मिलना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे कह सकते हो देखोगे इन कैपिटलिस्ट और इन मार्केट कह सकते हो बेस्ट सोसाइटी में आप देखोगे कि जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो कुछ कह सकते हो कि अरबपतियों के पास या बड़े बड़े जायंट टेक कंपनी के पास जो है देश की लगभग 80-85% की संपदा कुछ ही के हाथों में रहती है। तो कई बार ये जो है विचारणीय हो जाता है कि क्या इतना अचूक संपत्ति को एक उद्योगपति या बिजनेसमैन लीगली कमा सकता है क्या, मतलब ये एक मैटर ऑफ कह सकते हो ना कि डिस्कशन हो सकता है, कि यहाँ आपको कहा जा रहा है लीगली, मतलब एक प्रकार से थ्रूथफुली, और सबसे बड़ी बात है कि जो आप जितना कमा सकते हैं आप अपने लेबर से, लेकिन वो एक प्रकार से कह सकते हो कि अप्रत्याशित रूप से नहीं, मतलब कह सकते हो अनौचित्यपूर्ण नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे औचित्यपूर्ण होना चाहिए, तो इस बात का भी यहाँ ध्यान रखा जाना चाहिए। और जब इसका आप आंसर राइटिंग करोगे, तो कुछ बाय गिवन सम एग्जांपल आप जो है इसका आंसर लिख सकते हो। ये क्वेश्चन लिटिल बिट हम पहले ही बोले थे कि आपको थोड़ा उलझाऊपन लगेगा इसमें, लेकिन इसे अगर आप 8-10 बार दो कह सकते हो ना कि पढ़ोगे, बार बार रिपीट करोगे, तो फिर आप इन बिटवीन द लाइंस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप अच्छे से उत्तर लिख लेंगे। जब कभी हम लोग डिटेल आंसर राइटिंग करेंगे तो डिटेल में और डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर? अभी के लिए इतना ही, डैट्स ऑल, थैंक यू।